डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास फिफ्थ से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ द पोटेशियम मिथाइल ज़ैंथेट इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज टू मेक द ओर। फर्स्ट कह रहा है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर, बी कह रहा है वाटर रिपेलेंट, सी कह रहा है लाइटर, एंड डी कह रहा है क्या हैवियर कह रहा है। अब सबसे पहले तो ये समझेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस होती क्या है। एक्चुअल में जब हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, जब हम मेटलर्जी में क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, तो उसमें प्रोसेस होती है जिसको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि पाइन ऑयल का यूज़ किया जाता है, ये यूकेलिप्टस ऑयल का यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ओर को पाउडर फॉर्म में गिराया जाता है। ओर को क्या किया जाता है, पाउडर फॉर्म में जो होता है वो गिराया जाता है, तो ओर पार्टिकल्स यहाँ पर आ जाते हैं। अब चूंकि ऑयल है यहाँ पर और यहाँ पर वाटर भी भरा हुआ है, तो यहाँ पर और पार्टिकल्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए एक कंपाउंड मिलाया जाता है, जिसको हम सोडियम या फिर कहते हैं पोटेशियम एथाइल ज़ैंथेट। सोडियम पोटेशियम एथाइल ज़ैंथेट कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है वो ज़रा समझो। एक्चुअल में ये होता क्या है, ये ओर कलेक्टर होता है। ये क्या होता है, ओर कलेक्टर होता है, ओर को कलेक्ट करने का काम करता है और ओर को फ्रॉथ में जाके कलेक्ट कर लेता है। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे ट्यूयर से पास करते हो एयर, तो ट्यूयर से एयर पास करने पर ओर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं सोडियम या पोटेशियम मिथाइल ज़ैंथेट के साथ में, और जाके वो फ्रॉथ में इकट्ठे होते चले जाते हैं। बाद में आप फ्रॉथ को अलग कर लेते हो और फ्रॉथ से आप क्या करते हो, ओर पार्टिकल्स को अलग कर लेते हो। बट यहाँ पर ओर कलेक्टर जैसा कोई भी जो है वो यहाँ पर पॉइंट नहीं है। पॉइंट क्या कह रहा है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, बी कह रहा है वाटर रेपेलेंट, सी कह रहा है लाइटर, और डी कह रहा है हैवियर। तो भाई इसका काम क्या है वो जरा समझेंगे। अब सबसे पहले एक काम ये देखते हैं कि ज़ैंथेट क्या होते हैं। ज़ैंथेट एक्चुअल में ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड होते हैं, और ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है तो इनकी एफिनिटी जो होती है, इसकी एफिनिटी जो होती है वो किसके साथ होती है, सल्फाइड ओर के साथ। इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ओर फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज़ जो होता है वो मेनली सल्फाइड ओर के प्योरिफिकेशन के लिए किया जाता है, सल्फाइड ओर के कंसनट्रेशन के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो ओर कलेक्टर ये है, ये क्या करेगा, सल्फाइड ओर के साथ बॉन्ड बना लेगा, और जैसे ही बॉन्ड बनाया फिर ये यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और जाके फ्रॉथ में इकट्ठा हो जाएगा।
बट इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये काम क्या करता है कि सपोज करो ये ओवर पार्टिकल है, अब इसके चारों तरफ एक ऐसी लेयर ये बना देता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं। यानी ये क्या करता है, ये ओवर पार्टिकल को वाटर रेपेलेंट बना देता है। ये क्या करता है, ओवर पार्टिकल को वाटर रेपेलेंट बना देता है, और उसी के साथ साथ जो होता है वो वाटर जैसी एयर से एयर आती है तो ये ओवर पार्टिकल ऊपर की तरफ चले जाते हैं और जाने के बाद में फ्रॉथ में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बी आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये ओवर पार्टिकल्स को मूव बदल दे क्या कर देता है, उसमें वाटर की एंट्री को रोक दिया है, वाटर की एंट्री को रोकता है तो वाटर को रिपेलेंट कर, तो वाटर रिपेलेंट बना देता है। ठीक है ना, समझा रहा।